दोस्तों, आप सब ठीक हो? सुशीला पिलो हूँ, आप सबका स्वागत है। आप सब ठीक रहो, मजे में रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। तो आज मैंने पिछले वीडियो में मैंने ओढ़नी छोड़ी थी ना, वो खरीद के लेके आई थी, इसको मैं लेस लगा के ओढ़ लिया। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप जरूर बताना मेरे को, अच्छी लग रही हूँ या बुरी लग रही हूँ जरूर बताना आप लोग। तो मैंने कल ये लेस लगाया था, मैंने आज मैंने ओढ़ लिया लेस लगा के। मैं खुद ही लेस लगाई थी, मैंने इस वीडियो बनाया था लेस लगाते। इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगी, आपको बताऊँगी। तो आज मैंने आज कुछ वीडियो अपलोड कर रही हूँ रसमलाई को। मैंने घर पे ही रसमलाई बनाई थी, तो इसका मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और आप लोग इतने सपोर्ट दे रहे हो, इसके लिए थैंक यू। और मेरे को बहुत खुशी मिल रही है आप लोग सपोर्ट दे रहे हो, और क्या बताऊँ आप लोगों को। और आप सब मजे में रहो। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है ना? देखना ये लंबी अच्छी है, पूरी लंबी पूरी है ना, अच्छी है वो। नहीं मेरे को तो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आप लोगों को अच्छी लग रही है तो बोलना जरूर। दोस्तों मैंने लेस लगा दी, मैंने दो ओढ़ने की लेस लगाई थी, एक ओढ़ने की मैं लेस का वीडियो नहीं बनाई और एक का बनाई हूँ। ये दूसरी ओढ़नी है जो मैं आज ओढ़ रखी हूँ ना, वो ओढ़नी का मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने एक ही ओढ़ने का लेस का वीडियो बनाया था। और आज मैं शाम को रस मलाई बनाने के लिए लग रही हूँ। मैं मंगलवार का व्रत था मेरा, इसलिए मैंने रस मलाई मना लिया। गुड़िया बोली कि मम्मी आज उपास है आपका, रसमलाई मना लो, तो मैं रसमलाई मना रही हूँ। तो रसमलाई में ये मैं नींबू का पानी गेर रही हूँ दूध फाड़ने के लिए। तो इसमें नींबू का पानी से मैंने एक नींबू डाला था और दूध था मेरा आधा किलो। और ये मैं सब्जी बना ली, टिंडे की सब्जी बनाई थी मैंने, और ये दूध मेरा फट गया। अब इसको मैंने चलूँगी, पहले तो मैं इस पानी काट लूँगी दूध का। और ये मैं पानी काटने के लिए लग रही हूँ। मैंने पहली बार ये रसमलाई मनाई थी, मैंने कभी भी रसमलाई नहीं बनाई थी। मैं पहली बार ये रसमलाई का वीडियो बनाई थी, सॉरी यार, यानी पहली बार ही मैंने ये रसमलाई बनाई थी, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैं जो चीज़ बनाती हूँ जो आपको शेयर करती हूँ। तो ये मैं चीनी डाल दी, चीनी में एक कप डाला है और ये पानी डाल रही हूँ मैं, एक कप ही पानी का डाल दिया। और चाशनी बनाने के लिए चीनी में दूध में चीनी बार बार चेट जाए इसलिए घोलना पड़ता है, घोल आ जाए इसलिए वो लग न जाए नीचे। और ये मैं दूध जो मैं माओ दूध को फाड़ा था तो विस्कम में फाड़ के वो इसकी हथेली से ऐसे हथेली आती है ना हाथ की, उससे मसाज करनी चाहिए। और ये मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर। और ये एक मैं मैदा डाली थी, मैदा का मैंने वीडियो नहीं बना पाई इसलिए सॉरी, क्योंकि वीडियो में कुछ किसी का फ़ोन आ गया था, मेरे पास एक ही फ़ोन है तो मैं इसमें ही मैं बात करती हूँ, इससे मैं वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं मैदा का वीडियो नहीं बना पाई। मैदा भी डाली थी इसमें, आधी चम्मच मैदा का डाला था मैंने। और ये चाशनी एक या चिपचिपी होनी चाहिए, तार वार नहीं होनी चाहिए इसको, बस हाथ में चिपकनी चाहिए। तो ये मैं फ्रूट कलर डाल रही हूँ, मैं मैरून कलर फ्रूट ला रखी हूँ रबड़ी के लिए, वो बिस्किट रबड़ी में मैंने डाल दिया। और ये मेरा रसगुल्ला बन गए।
अच्छी लगा, इतना अच्छा लगा था। पहली बार ही बनाया था लेकिन इतनी टेस्ट लगा था, बहुत अच्छा। शाम को ही बच्चे खा गए थे, बहुत अच्छा लगा था। बार बार कह रहे थे बच्चे मेरे, मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्वाद था। तो ये रबड़ी बन गई मेरी, और इसमें मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। इलायची, कुछ बादाम थे, बादाम मेरे पास 3 ही थे, क्योंकि बादाम बच्चे खा गए थे इसलिए मेरे पास बचे नहीं थे। जो मेरे घर में सामान था मैं उसका ही बनाई थी, मैं बाहर से कभी कुछ नहीं बनाई। शाम को मेरी गुड़िया बोली थी इसलिए मैंने रसमलाई बनाने के लिए बोला, मम्मी ये रसमलाई बना लो, ये मेरा बच्चा आ गया हाथ धोने के लिए। तो ये बत्ती कर रहा है, घर में मंदिर है उसकी दिया जो रहा है, हाथ धोने के लिए आया था। और ये रसगुल्ले हो गए तो मैं इस रबड़ी में डाल रही हूँ। और ये मैं ढक के 2 घंटे रखी थी, फिर मैंने बर्फ में पानी में डाल दिया था। देखो आपको दिखाती हूँ, देखो अभी अभी तो ये ऊपर है ना, फिर बाद में ये नीचे बैठ जाएंगी, पूरी रस को सोख लेगी इसलिए ये नीचे बैठ जाएंगी। अभी तो तर रही है ना, फिर ये रस को सोख लेंगे। ढक के मेल दी, गरम गरम को ढक के रख दे 2 घंटे तक। फिर 2 घंटे बाद में उसको ठंडे पानी में फ्रीज में रख दो। तो ये मैंने रस मिलाई, रख ढक के रख दिया। और मेरे बर्तन पड़े थे, बर्तन साफ करने के लिए लग रही हूँ। तो ये मेहनत तो होती है ना, कुछ चीज़ बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, बहुत आते हैं, इसलिए मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये कुछ धुल गई थी मैदा वगैरह, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। इसमें ये 1 चम्मच ज़रूर मैदे की डाल दे, क्योंकि वो अच्छा है, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाते हैं ना। तो ये मैं ढक के रख दिया उसको। और ये मैं पराठे बना रही हूँ केक के, तो मैं पराठे दूसरे बनाए, 2 लोहे की ऐसे चिपका के फिर बनाती हूँ, जैसे खुल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है पराठे भी। तो घी के पराठे बना रही हूँ, देसी घी घर में निकलता है ना उसके मैं पराठे बना रही हूँ। मैं तेल वगैरह का, ऑयल का पराठे नहीं बनाती मैं, घी के अच्छे लगते हैं बच्चों को। थोड़ा सा घी के छींटे लग गए थे वो देख रही थी मैं वो तेल के टाइम में घी के थोड़े से छाटे लग गए थे मेरे। ये हो गए ऐसे ही खुल गए, देखो ये पराठे ऐसे बीच में से खुल जाते हैं। तो मेरी गुड़िया तो बोली, मम्मी कच्ची रोटी है, ऐसे एक तरफ भी रोटी क्यों सेकी है? तो एक तरफ सक जाते, बीच में दोनों साइड में सेकते हैं, बीच में खुल जाते हैं ना, तो ऐसे कच्ची कच्ची ऐसे लगती है। भाई मम्मी ने एक साइड में ही सेका है पराठे, एक साइड में नहीं सेका। और ये मैं वो रस मलाई को बर्फ में डाल के बाकेट में पानी डाल के भी इस पर रख रखी थी ठंडे होने के लिए, 2 घंटे हो गए थे इसको। तो अब खुदे में खोल के देख रही हूँ तो ठंडे हुए नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए, तो मैंने वापस रख दिया था। जब तक मैं रोटी ये पराठे नहीं चोपड़ूंगी ना, तो ये पराठे चोपड़ रही हूँ मैं जब तक वो ठंडा हो जाएगा। और ये मैं खाना मेरे लिए गालने के लिए लग रही हूँ, आप लोगों के लिए, आप भी खा लेना। तो ये थाली लगा रही हूँ, मेरे बच्चे तो ले गए। तो मैं वापस इसको देख खोल रही हूँ, ये ठंडा हो गया था।
देखो ऐसे ही लग रहा है, डूब गए हैं ना इधर अच्छी तरह। पहले ऊपर थे, अब नीचे बैठ गए, तो ये पूरे रस को छीन लिए से, सोस लिए थे। तो ये हो गए, तो मैंने गाल दिखा दी आप लोगों को। ये ली थाली, देखो ये पराठे एक साइड में ऐसे लग रहे थे, कच्चे कच्चे हो रहे हैं ना, ऐसे मैंने दो लोहे तोड़ के बीच में चिपका दे दिया घी डाल के, तो एक साइड में ऐसे कच्चे कच्चे दिखते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कर देना जाते जाते, और अगले वीडियो में आप लोगों को फिर मिलते हैं। बाय।